नांदेड़ के आज़मीन हज और उनके अफराद ख़ानदान ने कम अरसे में रेलवे टिकट की बुकिंग की है, मगर रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट होने से आज़मीन हज फिक्रमंद थे। इस सिलसिले में नांदेड़ के तमाम मुस्लिम कारपोरेटर्स ने ज़िले के सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान से राबता करके आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर मजीद कोचेस लगवाने का मुतालबा किया था, जिस पर फौरी अशोक चौहान ने नांदेड़ के DRM के नाम एक मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में आज़मीन हज की तफसीलात बताकर कहा गया कि 19 और 20 जून को बड़ी तादाद में आज़मीन हज रवाना हो रहे हैं, इसलिए इन दो दिनों के लिए देवगिरी नंदीग्राम राजारानी एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर के 2 इजाफा कोचेस लगाए जाए ताकि तमाम आज़मीन हज और इनके रिश्तेदारों के टिकट कन्फर्म हो जाएँ, और वापसी में भी इन ट्रेनों को 23 जून को मुंबई से इजाफा कोचेस लगाए जाए ताकि आज़मीन हज को छोड़कर वापस आने वाले रिश्तेदारों के टिकट कन्फर्म हो सकें। मुंबई के जनरल मैनेजर रेलवे और नांदेड़ के DRM को अशोक चौहान की जानिब से मकतूब रवाना किया गया। नांदेड़ DRM ऑफिस में आज के कारपोरेटर्स ने पहुंचकर रेलवे टिकट कन्फर्म करने के लिए सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान का मकतूब पेश किया। इस मौके पर कांग्रेसी कारकुनान मौजूद थे। पिछले 2 साल से कोरोना वबा के सबब बैरून ममालिक सऊदी के बाहर के लोगों को आज़मीन हज के दाखिला ममनू था, मगर अल्लाह का करम रहा कि इस साल सऊदी के बाहर के भी हाजी हज के लिए रवाना हो रहे हैं। नांदेड़ ज़िले से भी तकरीबन 200 से ज़ायद हाजी हज कमेटी से जाने वाले हैं। तमाम आज़मीन हज ने डेट आते ही अपने रिजर्वेशन किए, मगर सभी को वेटिंग टिकट मिला। तकरीबन 400 से 500 लोगों के टिकट वेटिंग है, जिनमें आज़मीन हज और उनके रिश्तेदार और साथी शामिल है। इस सिलसिले में हमारे ज़िले के सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान साहब ने बाद में वहाँ से मुंबई से भी एक GM ऑफिस सेंट्रल मुंबई, उन्हें भी एक लेटर दिया है और नांदेड़ के DRM को एक लेटर दिया है, और उन्होंने ख़ास कर कहा है कि 19-20 को जो नांदेड़ से आज़मीन हज की वेटिंग लिस्ट है उसे कन्फर्म करके एक्स्ट्रा कोचेस आपके देवगिरी राजारानी और नंदीग्राम एक्सप्रेस इनमें लगाई जाए, और वापसी में जो हाजी को छोड़कर लोग आ रहे हैं उनके लिए भी 23 तारीख के दिन एक्स्ट्रा कोचेस मुंबई से लगाने का मुतालबा किया गया है। इंशाल्लाह ये ज़रूर जल्द पूरा हो जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।